जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, उसमें मैंने बोला था कि 28 फरवरी तक आप सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, बाकी सब डिपार्टमेंट के, नहीं तो किसी न किसी डिपार्टमेंट का आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को पक्का मिल जाएगा। 28 फरवरी अभी आने में समय, 28 फरवरी से पहले पहले यानी कोई से भी डिपार्टमेंट का, चाहे जितने भी CPF की ज्वाइनिंग हो रही है उनमें से दूसरे डिपार्टमेंट के, 1 CRPF का तो आप सभी को पता है कि ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं सभी के, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी डिपार्टमेंट के भी ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर है ITBP का, उत्तराखंड में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ITBP के भी ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए। 17 मार्च इसकी ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है, 17 मार्च ही ज्वाइनिंग डेट है, यानी आप सभी के अब ज्वाइनिंग लेटर है वो आने लग गए हैं दोस्तों। और चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट का हो, सभी के आने लगे, चाहे ITBP के शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में आपको CISF और SSB के भी ज्वाइनिंग लेटर, अभी 28 फरवरी आई नहीं है, मैंने 28 फरवरी का आपको समय दिया था, 28 फरवरी आई नहीं है, 28 फरवरी से पहले पहले आप देख लेना, आपके सामने SSB और CISF के भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट का। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता है, कई मेरे को बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर CRPF का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का सभी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, या मेरे तहसील के सभी लड़कों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मेरा नहीं आया है, और क्या अलग अलग फ्रंटियर वाइज अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर आते हैं क्या? तो ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे काफ़ी टेंशन में भी रहते हैं इसके चक्कर में, जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मान लो किसी का अगर गुड़गांव जीसी से आया ज्वाइनिंग लेटर, किसी का अजमेर जीसी से आया, किसी का आवड़ी जीसी से आया, किसी का नीमच जीसी से आया, तो जिस जीसी से आने में तो किसी जीसी से 2 दिन टाइम लगता है, किसी से 3 लग, किसी से 4 दिन, समय थोड़ा सा ज़्यादा कम लग सकता है ना डाक में। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप 2 दिन वेट कर लीजिए, और दूसरे दिन तक वो मेरे को मैसेज भी कर देते हैं, सर हमारा आ गया। हाँ, कुछ का आप ये मान के चलिए कि होता क्या है कि सभी GCO में ज्वाइनिंग जो डेट है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, अगर किसी का 5-7 दिन भी नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है कि ज्वाइनिंग डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, आप सभी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ज़्यादा चिंतित होकर बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, बार बार मैसेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दोस्त के, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा इसको लेकर, तो आ जाएगा, ज़्यादा चिंता ना करें। आपका ये मान के चलिए कि पहले तो 28 फरवरी तक CRPF के नहीं, सभी डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, ITBP का आ गया है, और आपको देखना है 1 से 2 दिन का समय और दीजिए। 28 फरवरी से पहले पहले आपको SSB और CISF या असम राइफल, इनमें से कोई ना कोई ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, BSF का भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग सेंटर, मैंने बोला था ट्रेनिंग सेंटर भी खाली है, ज्वाइनिंग सेंटर भी खाली है, ग्रुप सेंटर भी खाली है, तो आप सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपको मार्च के महीने में आप सभी की ज्वाइनिंग हो जानी है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। विशेष तौर पर जो ये बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर सभी तहसील का आ गया है, सभी का आ गया है, आप 2 या 4 दिन वेट करिए, ठीक है, 2-4 दिन में नहीं आता है उसके बाद मेरे को मैसेज करिए। 2-4 दिन, ये नहीं कि इसका पिछले वाला का आया उसके 4 दिन, ऐसे नहीं, आप फरवरी वेट कर लीजिए। फरवरी तक अगर किसी का CRPF का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, उसके आसपास का सभी का आ गया, तो फिर आप मेरे को बताना, कनेक्ट करना, ताकि फिर मैं आपकी जो हो सकेगा मदद करूँगा, पूछ के बताऊँगा कि भाई आपके ज्वाइनिंग लेटर कौन सी जीसी से आने हैं और क्यों नहीं आए, या कोई जीसी का अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं निकले क्या, तो वो मैं पता कर लूँगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। बाकी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी मार्च के महीने में सभी की लगभग लगभग होनी है। हाँ, किसी की 25 मार्च किसी की 30 मार्च तक ज्वाइनिंग होनी है। ITBP के भी अब जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं तो 17 मार्च के आसपास उनकी ज्वाइनिंग होनी है। SSB BSF इनकी सभी की भी मार्च के महीने में आपकी ज्वाइनिंग है। दोस्तों एक बात मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, हाँ एक और क्वेश्चन आता मेरे पास में कि सर जिनकी शादी हो गई है, ट्रेनिंग जब फॉर्म भरे थे तब उनकी शादी नहीं हुई थी, अभी उनकी शादी हो गई, अब क्या करें? तो अब आप मेरिट दिखा देना, मेरिट सर्टिफिकेट लेके जाना, और जो अविवाहित प्रमाण पत्र है वो आपके पंचायत से बन जाएगा, जो नगर पालिका से बिलोंग करता है उसका नगर पालिका चेयरमैन बना देगा, नगर पंचायत है तो वहाँ का जो चेयरमैन होता है वो सील लगा के वो प्रमाणित करके देता है कि हाँ भाई ये बंदा अनमेरिड है। लेकिन जो शादीशुदा है, मैं पहले भी बोला, वो मेरिड ही दिखाना। एक क्वेश्चन हो रहा था यहीं से कि जो शादीशुदा, क्या वो ज्वाइंट अकाउंट करा ले? तो दोस्तों आप करा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से भी आपको सिंगल अकाउंट ही रखना चाहिए। जब बाद में ट्रेनिंग के बाद में आप सर्विस बटालियन में आते हो तब आपको ज्वाइंट अकाउंट करा लेना, अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज्वाइंट अकाउंट कराने की, आपको कोई परेशानी वैसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप सिंगल अकाउंट रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। SBI बैंक आपको अकाउंट ओपन कराना। एक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि सर हम शादी हो गई 3 साल बाद में, अब तो हमारे बच्चे भी है, या उस समय फॉर्म भरा तब अनमेरिड दिखाया, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भरा तब तुमने क्या दिखाया था, अब तुम अगर मेरिड हो, तुम्हारा बच्चा है, तो बिल्कुल उसका नाम लिखना, उसका प्रमाण पत्र, उसका जन्म प्रमाण पत्र भी साथ लेके जाना, और वो वहाँ पर लगाना,
ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ज्वाइंट अकाउंट आप ना ही खुलाए, सिंगल अकाउंट बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि ट्रेनिंग के बाद में जब आप सर्विस बटालियन में जाओ तो ज्वाइंट करा देना, उसमें कोई ज़्यादा पंगा है नहीं। वो एक ही बैंक में अकाउंट होने चाहिए, फिर वो ज्वाइंट हो जाएगा। अकाउंट अपने आसपास में खुला ले, SBI की जहाँ पे भी शाखा है वहाँ पे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मैं मूल निवासी राजस्थान का हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात रह रहा हूँ या दूसरी कहीं पर भी जगह रह रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ बैंक अकाउंट खुला सकता हूँ? आप ऑल इंडिया में कोई से भी बैंक का बैंक अकाउंट वहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको वो बैंक अकाउंट लगाना चाहिए जो आपके घर के नज़दीक हो। उसमें मैंने पहले ही बताया कि बैंक से संबंधित कई काम होते हैं। एक फौजी आदमी को हर बार छुट्टी जाता है, कोई ना कोई काम बैंक से संबंधित निकलता है, तो आपको आसानी रहेगी वहाँ पर जाके अपना काम करा लेने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, और पास में ही जो आपके नज़दीकी बैंक शाखा है SBI की, उसमें अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना है। अब और बात आती है कि मेडिकल को लेके काफ़ी बच्चे चिंतित हो गए, ओवरवेट को लेके या अंडरवेट को लेके, या मेडिकल वापस रीमेडिकल होगा तो कैसा होगा, चाहे रीमेडिकल वालों का होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी बार बार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे मैं पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि मेडिकल होगा केवल बीमारी का, विशेष रूप से वहाँ उसमें लिखा गया है कि आपका मेडिकल होगा संपूर्ण, या हो सकता है CRPF ने दिया उसमें लिखा हुआ है CRPF चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपका वापस मेडिकल करके ही आपको बल में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, या कोई बड़ी टूट फाड़ तो नहीं हो गई है, कहीं का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि उसको तो नहीं ज्वाइनिंग देंगे ना। तो वही है, आपको उसको चेतावनी है, और ऐसे आप उसके पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा कि उसमें कुछ चीज़ें चेतावनी के रूप में दी जाती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। लेकिन हाँ, जिनका ओवरवेट हो गया थोड़ा सा मेहनत करके कम कर लीजिए, वैसे ओवरवेट में आपको बाहर नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको इतनी सी बात मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, कि कईयों की जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें लिखा हुआ कि 13 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। तो सबमिट कराने इसका मतलब ये है कि मतलब 13 तारीख आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, या 15 तारीख है तो 15 तारीख ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, इस प्रकार से। अब मेरे को जो बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, क्या सर ज्वाइनिंग डेट से पहले ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्या ज्वाइनिंग डेट से पहले ज्वाइनिंग करने के फ़ायदे हैं, या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चलो मेरे से जुड़े हो तो आपको ये छोटा सा मैं प्रॉफिट दे देता हूँ कि बिल्कुल आप ज्वाइनिंग डेट से पहले ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसका फ़ायदा भी होता है, छोटा मोटा फ़ायदा होता है। ऐसे नहीं मेरे जो वीडियो देख रहे हैं सारे पहुंच जाएं, उसका फ़ायदा होता है थोड़ा सा, कि आपका जो कर्म है वो आपके बेच जितना बेच लग रहा है उसमें से थोड़ा पहला कर्म लग जाता है आपका। जैसे पोस्ट नंबर जो मिलते हैं ना, तो उसमें क्या एक संख्या मिलती है आपको 7 डिजिट की, 9 डिजिट की एक संख्या मिलती है आपको। तो उस डिजिट में जैसे 511 आपका लग गया, फिर पीछे वाले को 512, 513, 514, 515, तो उसको क्या कि वो पीछे जो लगता है ना, जो आगे लगता है ना, तो उसको प्रमोशन में थोड़ा सा पहले प्रमोशन होता है। भाई क्रम जल्दी है तो जल्दी प्रमोशन होगा, प्रमोशन कोर्स में भी जल्दी नाम आएगा, हवलदारी के लिए भी जल्दी आएगा, तो वो प्रमोशन कोर्स के लिए उस समय के लिए थोड़ा सा फायदा है। और बिल्कुल आप ज्वाइनिंग डेट से पहले ज्वाइनिंग कर सकते हो, 3-4-5 दिन पहले भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं। ज्वाइनिंग डेट पे भी जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसके 3-4 दिन बाद में भी कर सकते हो, और उससे 3-4 दिन पहले भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल फ़ायदा जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको, ठीक है, जिन्होंने इतना प्यार मिला तो इसलिए उनको मैं एक खास बात बता रहा हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं है। सिर्फ जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप बिल्कुल ज्वाइनिंग डेट से पहले जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, और उसका फ़ायदा मैंने बता दिया क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे साथ जुड़ने का फ़ायदा पूरा हो गया है, अब कोई बकाया नहीं रहा अपना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको मतलब बेस्ट विशेष भी मान लीजिए, और गिफ्ट भी मान लीजिए, कि आप ज्वाइनिंग डेट से 2-3 दिन पहले ज्वाइनिंग कर लोगे तो आपका क्रम थोड़ा सा अप आ जाएगा, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, छात्र वालों से 1-2 साल पहले प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।